जयपुर शहर लोकसभा सीट पर यूं तो मौजूदा सांसद रामचंद्र वोरा भाजपा के ही है, बावजूद इसके दावेदारों की संख्या करीब 2 दर्जन तक पहुंच चुकी है। कई नेता अब तक संगठन में अपने काम के आधार पर टिकट मांग रहे थे, पर अब समाज के प्रतिनिधित्व की दुहाई देकर ये नेता भाजपा से टिकट की मांग कर रहे हैं। भाजपा मुख्यालय में ब्राह्मण सभा राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष अंबिका प्रसाद पाठक लगातार टिकट के लिए चक्कर काट रहे हैं। प्रदेश भाजपा में ऐसा कोई बड़ा पदाधिकारी नहीं है जिसके पास पाठक का रिज्यूम नहीं पहुंचा हो। पाठक के अनुसार राजस्थान में 25 लोकसभा सीटों में से कम 3 सीट पर ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को टिकट दिया जाना चाहिए, वरना आगामी चुनाव में ब्राह्मण समाज के मतदाताओं को भाजपा के अलावा भी राजनीतिक दल का विकल्प ढूंढने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जी को हम मांग पत्र दे चुके हैं और प्रदेश ब्राह्मण समाज की कार्य समिति के लिए गए निर्णय के अनुसार जयपुर लोकसभा सीट, ये ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, इस पर अंबिका प्रकाश पाठक की टिकट की मांग की गई है। और पूरे प्रदेश के अंदर ब्राह्मण समाज ने तय किया है कि आगामी चुनाव में 3 टिकट ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों को मिलना चाहिए। ब्राह्मण समाज लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी को वोट देता हुआ आ रहा है और जनसंघ के टाइम से ही, और जिताने में उनकी पूर्ण भूमिका रही है। इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी जो ब्राह्मणों को जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए वो नहीं दे रही है और उनका प्रतिनिधित्व कम करती हुई चली जा रही है। हम भारतीय जनता पार्टी से निवेदन करते हैं कि 3 टिकट हमें राजस्थान में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए दिए जाए। पाठक की तरह ही गुजर समाज से आने वाले भाजपा के नेता समाज की दुहाई देकर भाजपा से टिकट मांग रहे हैं। पूर्व महापौर शील धवाई जयपुर शहर से और जयपुर ग्रामीण सीट से यही दुहाई देकर टिकट मांग रही है। धवाई के अनुसार जयपुर शहर सीट से दावेदारी तो वो करती है, लेकिन जयपुर देहात सीट पर भी गुजर समाज के नाते दावा ठोकने से नहीं चूकती। धवाई के अनुसार जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट पर भी बड़ी संख्या में गुजर मतदाता निवास करते हैं और खुद शील धवाई गुजर समाज से ही आती है। जयपुर शहर की महापौर रही हूँ। जयपुर में सारे विधानसभाओं में मैंने बहुत काम किया है और राष्ट्रीय स्तर तक के अवार्ड भी मैं यहाँ पर लेके आई हूँ। क्लीन सिटी का अवार्ड भी 2 बार मिला है, यूनेस्को अवार्ड भी यहाँ से मिला है, तो मैं समझती हूँ कि मैं डिजर्व करती हूँ और मैं इसलिए मैंने पार्टी से जयपुर ग्रामीण जयपुर शहर से अपनी दावेदारी पेश की है। दूसरा, जयपुर जो ग्रामीण है, जो जयपुर ग्रामीण कोटपुतली विधानसभा से मैंने चुनाव लड़ा है और जिस जाति से मैं बिलोंग करती हूँ वो बाहुल्य क्षेत्र है। और अदर खाली मैं इस जात की बात नहीं करती, मैंने जयपुर ग्रामीण में हर विधानसभा में पार्टी संगठन के नाते या और भी सामाजिक संगठन के नाते मैंने हर क्षेत्र में बहुत काम किया है और वहाँ के लोगों की मांग है और वो चाहते हैं कि मैं अपना दावेदारी प्रस्तुत करूँ और पार्टी मुझे उम्मीदवार बनाए। इससे पहले भी कई बार मैंने दावेदारी की है, लेकिन पार्टी जो डिसीजन है वो मंजूर होता है, लेकिन इस बार मैं बहुत पुरजोर मांग कर रही हूँ और एक महिला होने के नाते भी, क्योंकि हम चाहते हैं, हमारी पार्टी भी हमेशा कहती है कि महिलाओं को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं पार्टी से भी यही मांग करती हूँ। ये सारी बहनें बैठी हुई हैं, ये भी आज सब एक सुर में यही कर रही हैं कि जब महिलाएं हम बराबर का पार्ट करती हैं, हम पार्टी संगठन में लगातार काम करते हैं, तो क्यों ना हमें पार्लियामेंट में भी एक अवसर प्रदान किया जाए और हमें उम्मीदवार बनाया जाए। जबकि जो भी क्वालिफिकेशन है, हम जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, सारी बहनें जमीन से जुड़ी हुई हैं, तो क्यों ना पार्टी हमारे ऊपर दाव लगाए। हमें पूरा विश्वास है कि हम यहाँ से जीत हासिल कर सकते। इसके अलावा जैन समाज भले ही बेहद कम हो, लेकिन जयपुर से लोकसभा क्षेत्र में भाजपा के नेता सुनील कोठारी और संजय जैन टिकट की दावेदारी करते हैं। इसके अलावा अजय धांडिया भी टिकट की दौड़ में है। ये तीनों ही नेता जैन समाज से आते हैं और 25 लोकसभा क्षेत्र में से कम एक पर जैन समाज के व्यक्ति को टिकट देने की मांग भी करते हैं। हालांकि सुनील कोठारी प्रदेश में उपाध्यक्ष है, वहीं संजय जैन पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके हैं और अजय धांडिया सत्कार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक है, लेकिन जब बात टिकट की हो तो संगठन के काम के साथ ही ये नेता अपने समाज की संख्या बल का एहसास कराने से भी नहीं चूकते ताकि टिकट